ओके देख आमे लास्ट क्लास रे नेचुरल डाई रो जस्ट क्लासिफिकेशन आ तार दुईटा एग्जांपल रो जस्ट झलक पाइथिले हना नाही आज जे आमे पढिया को जाउ छे डिटेल्स रे ता सिंथेसिस फर्स्ट आ की अछि तमरो अलिजारिन हना नाही कोन कहले अलिजारिन ठीक अछि एटा आम जाने गोटे एंथ्रानोइड डाई ये कौन गोटे एंथ्रानोइड डाई वर्तमान जो एंथ्रानोइड डाई अच्छी मन रखी था यार जो लास्ट क्लास रे तुमको कही थी यार गोटे मर्डर थाए मर्डरटा को फॉर्म रे थाए ना गोटे ग्लाइकोसाइडिक फॉर्म रे हला से ग्लाइकोसाइडिक फॉर्म टा किए ना रुबिथ्रिक एसिड कहिथिली रुबी टी एच आर वाई आई सी वाई आर उल्टा करतली वाई आर आई सी एसिड रुबिथ्रिक एसिड हला देखिबा ए सब जिनस त अछि परे प्रॉपर्टीज रे देखिबा बतनागत सिंथेसिस टा पढिबा सिंथेसिस रे कोन अछि देखो फर्स्ट की तमे नै जाओ एंथ्राक्विनोन हला एटा रे सल्फोनेशन करिवो कहा प्रेजेंस रे सल्फोनेशन हुए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 413 केल्विन रे हेले से तुमको कौन दबो ना एंथ्राक्विनोन टू सल्फोनिक एसिड ओके बर्तमान एंथ्राक्विनोन टू सल्फोनिक एसिड टा को जदि तुम NaOH दब ताहले ये कौन हे जीव सोडियम सॉल्ट ऑफ एटा मा पुराटा लिखिले ने एंथ्राक्विनोन टू सल्फोनिक एसिड रो सोडियम सॉल्ट हे जीव एटा को अगेन एक्सेस NaOH दिया जाए आउ कौन दिया जाए Na2CO3 प्रेजेंस रे जदि हीट करिवो ये तुमको दब सोडियम सॉल्ट ऑफ अलिजारिन ओके सोडियम सॉल्ट ऑफ अलिजारिन बर्तमान एटा को जदि हाइड्रोलिसिस कर दबो माने H3O+ दे दबो एसिडिक हाइड्रोलिसिस सॉल्ट को दे देले ये तुमको दब अलिजारिन ओके तो एटा हला अलिजारिन रो सिंथेसिस रो स्कीम टा बा स्टेप गुडाक ए पर्यंत रिएक्शन लेखिने कि स्ट्रक्चर लेखिने न हेले पाप केमिस्ट्री रे स्ट्रक्चर जे पर्यंत न लेखिच सेटा कोन हे जीव पाप एटा लैंग्वेज रे लेखिया पई मु तुमको कहि देली नोट रे बे एटा लैंग्वेज रे लेखा हे बट मु एटा शॉर्टकट रे तुमको केंदी टिके मन रखिया पई सुविधा बोली मु आगो ताकु सेमती आकार रे लेखि देई एंथ्राक्विनोन टा एटा या ना कौन एंथ्राक्विनोन ओके एंथ्राक्विनोन रे मु कौन देबी कंसंट्रेटेड H2SO4 तो लागिबो को ग्रुप SO3H हला केते केल्विन रे लगेबी 413 केल्विन रे तो वर्तमान एठी कौन हे जीवो देख इटा वन पोजिशन एटा टू पोजिशन टू रे कौन लगे SO3H बर्तमान एथेरे कौन दौची ना NaOH कौन दौची NaOH NaOH देले से कौन हो जाऊची ना एटा डबल बंड ओ एठे कौन तमर हो SO3 कटिगला SO3 Na सॉल्ट है जो
है वर्तमान यही जो जिनसटारे तुम कौन कर ना आहुरी NaOH प्लस Na2CO3 दब एटा को कहते फ्यूजन मिक्सचर सीएओ देले हुए कोठी के को फ्यूजन में बहुत सारा फ्यूजन मिक्सचर अच्छे कोठी कोटा यूज हम देखिकी यूज करते यहाँ को 453 केल्विन टेम्परेचर मन न रखिले खाली हिट लिखिदेव किसी असुविधा ना ओके तो यहाँ को हिट कले कौन हो देख ना आलिजारिन दब आलिजारिन टा किए ना यहाँ बहुत सिंपल जिनस ये डबल बंड ओ एठी डबल बंड ओ रखिल एठी कहती एटा सोडियम सॉल्ट है थी एठी गोटे देख ए जगार किछि नथिला वन पोजिशन रे किछि नथिला वर्तमान वन पोजिशन रे गोटे ओ एन ए आसुची आउ ए सेकंड पोजिशन टा भी ओ एन ए हि जाउची एटा होची सोडियम सॉल्ट ऑफ अलिजारिन ओके एटा को जेता बळे तमे डाइल्यूट एच सी एल देदेव माने कौन देल हाइड्रोलिसिस कर देल से तुमको दब कौन अलिजारिन अलिजारिन टा ताहले किए हम ओब्वियसली तुमको ए एठी दबनी भितर किछि कंपाउंड एठी डबल बंड अछि भितर किछि नै हला एठी रहिब ओएच एठी रहिला ओएच या ना कौन हे जाउछि अलिजारिन क्लियर अलिजारिन जान लो ठीक अच्छे अच्छा एटा एत गुडे स्टेप करवा द्वारा यार यील्डटा कौन है लेस यार यील्ड कौन है गला लेस टिके आसला तो लोक यार अल्टरनेटिव मेथड खोजिले तो मुटा को कहीदेपरि मेथड वन हम बर्तमान देख मेथड टू को जीवा मेथड टूटा बहुत इजी गोटे स्टेप रिएक्शन कौन कले से माने ना नेले तमर ये थालिक अनहाइड्राइड थालिक अनहाइड्राइड ओके रिएक्ट्स विथ कहा सहित ना काटेकल है यहाँ देला तुमको कौन इन प्रेजेन्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 आम जानते यहाँ गोटे डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो ये कौन दब तुमको ना अलिजारिन प्लस वाटर जो वाटर टा बाहर H2SO4 नहीं हला कथा तो थाली कैनहाइड्राइडा किए ना एटा एठी डबल बंड ओ एठी ओ एटा बुझे ना या ना कौन कहली थालिक अनहाइड्राइड ओके थालिक अनहाइड्राइड रे काटेकल दूच माने एटा बेंजिनिंग रे जदि दीटा ऑर्थो पोजीशन रे ओएच लागे एटा हमर दरकार थिला ना दीटा ओएच पाखा पाखी तो या ना कौन काटेकल हला CHOL CATCHOL है अच्छा देख एठी गोटे एच थिबो एठी गोटे एच थिबो हना ना वर्तमान एटा H2O हे के पळैबो ताहले देख एई पटु रहिला कि कहा प्रेजेंस रे रिएक्शन होची कंसंट्रेटेड H2SO4 तो कौन होची माइनस वाटर तो एपटे रहिला कौन देख रिंगटा रहिला एठी गोटे सी डबल बंड ओ लागिछि एठी गोटे सी डबल बंड ओ लागिछि सेटा कहा सहित लागुछि ए कार्बन सहित ए सीटा कहा सहित लागुछि ए कार्बन सहित ता माने ए रिंगटा सहित से पूरा लागिला अतन ए रिंग रे ऊपर के अछि ओएच एठी कोन अछि ओएच देखिलो एटा अलिजारिन हेनी अलिजारिन ओके अच्छा यार टिके कलर फलर देखि दबा एते समय लानी कलर फलर किछ तार देखि नै तो देखो
एटा कौन हुए ना इट इज येलो फ्लेक्स खंड पूरा जिंदी कर्पूर भाया किंबा कॉर्न फ्लेक्स जो आजिकल खाऊ से खंड गुड़ाक वायोलेट कलर इन अल्कालाइन अल्कालाइन मीडियम रे को कलर होची वायोलेट कलर किंतु आमे जानिचे एटा गोटे मोडांट डाई एटा कौन मोडांट डाई MOR ला तो डिफरेंट मोडांट रे ये डिफरेंट कलर देखाए ला से कौन कौन कलर देखाए से विषय रे टिके कहि दउछ देख से कौन हुए सपोज एपटे मु रखली मोडांट ओके एठे शेड्स शेड्स कहले कलर डिफरेंट कलर्स और शेड्स ऑफ अलिजारिन ओके ठीक अच्छे लास्ट को कहबी केमिति से कॉम्प्लेक्सेशन करे बट आगे टिके कलर देख दियो जदि तमे डिफरेंट मेटल लगेबो माने एल्युमिनियम 3 लगौच सेटा होची रेड कलर अलिजारिन को कलर देखेबो रेड कलर जदि कैल्शियम सॉल्ट करिवो कैल्शियम रो वैलेंस शीट 2 तो एटा होची पर्पल रेड ओके जदि तमे क्रोमियम नौच क्रोमियम 3 क्रोमियम रो कलर कोन आसीबो ना ब्राउन वायोलेट वायोलेट ओके Fe2+ जदि नबो ताहले से दोची ब्लैक वायोलेट ओके बर्तन जदि Mg2 नबो ताहले से होची ओनली वायोलेट Sn2 नेले से होची रेड SN4 नब SN4 प्लस जदि नब से होची ओनली वायोलेट ओके अच्छा एई गुडा को केमिति लागंती डाई सहित सेटा तमे भाबुथिबो हला देखो गोटे अछि तमरो एल्युमिनियम 3 प्लस अछि ना नै सपोज मोन नेली तमरो डाईटा एमितिया जिनसटा एटा कोन दे टिके वर्टिकली लेखुछि देखिलो एमतिया जिनस कि अलिजारिन एठी ओएच एठी ओएच हना नहीं या सहित मु देली एएल3 प्लस हला एएल3 प्लस टा केमिति लागिबो ना देखो जति मु आमे पढिजे एटा गोटे एसिटिल एसीटोन भले ग्रुपटा दुईटा कीटो ग्रुप भले तो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर परिबो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर परिबो तो एथिरे एल्युमिनियम 6टा लिगेंड सहित लागी पारे तो गोटे गोटे अलिजारिन रु दुईटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होची तो केतेटा अलिजारिन रु 6टा बॉन्ड हबो 3टा तो एई मॉलिक्यूल रो केतेटा नै जे 3टा हन नहीं अलिजारिन रो केतेटा नेबे 3टा होची तो जो कॉम्प्लेक्स टा हबो मो इठी देखे देली सेटा ई तळे लेखुची देखो एठी किछ लेखिबनी एटा एतिके लेखिलो 3 मॉलिक्यूल लेखिलो एल3 प्लस देलो ता तळे तमे तार मॉलिक्यूल रो नाडल ए जो स्ट्रक्चर टा करिवो कॉम्प्लेक्स टा रो कोन करिवो ना एमिति एठी रखिवो अलिजारिन स्ट्रक्चर हबो वर्तमान एठी ओएच रखिली एठी ओएच रखिली एई जगहटा लागी थिबो त एमते देखै दबो एएल3+ सहित
ଏଇଥିର କେତେଟା ମଲିକୁଲ ଲାଗୁଛି? ତିନିଟା। ଏଇଟା ସହିତ ଏଠୁ ଦେଖ, ଏଠୁ ଗୋଟେ ଏଚ୍, ସେମିତି ଆଉ ଦୁଇଟା ମଲିକୁଲରୁ ଦୁଇଟା ଏଚ୍, ତ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ବାହାରିଯିବ। AlCl3ରୁ ତିନିଟା Cl- ଆସିଥିବ, ତା ସହିତ ପଳେଇବ, ହେଲା। ତ ତୁମର ସାଇଡ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି? କିଲେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, କିଲେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଏସ୍ ଅର୍ ନୋ? ହେଲା, ଜାଣିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର ଆଲିଜାରିନ୍ ବିଷୟରେ ପାଠ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଯୋଗୁଁ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା କଲରେସନ୍ ଦେଖାଏ, କିଲେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଫର୍ମେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ହୋଇପାରିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ହୋଇପାରିବ, ଆରୋମାଟିକ୍ ରିଙ୍ଗ ଅଛି, କଞ୍ଜୁଗେସନ୍ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କ'ଣ ଦେଖାଇବ? କଲରେସନ୍, ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଡାଏକୁ ଯିବା, ସେଟାର ନାଁ ହେଉଛି ତୁମର ଇଣ୍ଡିଗୋଟିନ୍ ଡାଏ, ଓକେ। ଇଣ୍ଡିଗୋଟିନ୍ ଡାଏ, ଏଥିର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେବ ଇଣ୍ଡିଗୋ। ଇଣ୍ଡିଗୋର ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ରେଡ୍, ଇଣ୍ଡିଗୋ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବ୍ଲାକ୍, ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଡିଗୋର କଲର୍ ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ ଅଛି, ହେଲା। ତ ଅର୍ ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ବି କହୁଛି ତୁମକୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟା, ଏଇ ଯେଉଁଟା ଉପରେ ଲେଖିଛେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଟିନ୍ ଡାଏ, ହେଲା। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ବି ତା ନାଁ ସେଇଆ ଅଛି, ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଟ୍ ଡାଏ, କ'ଣ କହିଲି? ଭ୍ୟାଟ୍ ଡାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଭ୍ୟାଟ୍ରେ ସେ ତିଆରି ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଡାଏ, ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଡାଏ ନୋନ୍, ସଭା ପୁରୁଣା ଡାଏ କିଏ ଏଇଟା, ହେଲା। ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ମିଳେ? ଜେନେରାଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟସରେ ମିଳେ, ପ୍ଲାଣ୍ଟସର କଲରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ, କ'ଣ ସ୍ପେସିଆଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଗୋଫେରା, ଇଣ୍ଡିଗୋଫେରା ଗ୍ରୁପ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହେଇଥାନ୍ତ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଛୁଆ ହେଇଥାନ୍ତ, ବାୟୋଲୋଜି ନେଇଥାନ୍ତ କେବେ ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଫଟ୍ କେତେବେଳକୁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଧରି ସାରନ୍ତାନି। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଟ୍ରିର ବଟନିକାଲ ନେମ୍ କ'ଣ? ଇଣ୍ଡିଗୋଫେରା ମ୍ୟାଙ୍ଗା ନା କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଗୋଫେରାଟା ସେଇଠି ଅଛି, ଯେଉଁ ତୁମର କ'ଣ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲିଟାକୁ କହନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଗୋଫେରା। ତେଣୁକରି ଦେଖିବ ଏଇଥିରେ ବହୁତ କଲର୍ର ଗୁଡ଼େ ଥିବ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ପୁରା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଗୁଡ଼େ ପୁରା ଥିବ, ରେଡ୍ କଲର୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଗୁଡ଼େ ଥିବ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ। ତମେ ଦେଖିବ କଲମୀ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଉପରଟା ନାଲି ତଳ ଗ୍ରୀନ୍ ମିକ୍ସ କଲର୍, ଏଇସବୁ କଲର୍ ଏଇଥିରେ ଡାଏ, ଏଇସବୁ ଡାଏ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ବୋଲି ହୁଏ, ହେଲା। ଏତିକି ଜାଣି ହେଲା। ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ତା ସିନ୍ଥେସିସ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସିନ୍ଥେସିସ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ମେଥଡ଼ଟା ହେଉଛି, ଫାଷ୍ଟ ମେଥଡ଼ ନାଁ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍, ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାନେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୟୁ, ଏଚ୍ ଇ ୟୁ ଏମ୍ ଏ ଏନ୍ ଏନ୍, ଇଏ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଓକେ। ହ୍ୟୁମାନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍, ଓକେ। ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ କହିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର, ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ମେଥଡ଼ କହିଲି, ପୁରା ସଭା ଫାଷ୍ଟ କି ମେଥଡ଼ଟା ବାହାରିଥିଲା ୟାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଥିରେ
फास्ट कौन निजाए आनिलिन है आनिलिन सहित निजाए क्लोरोआसीटिक एसिड कौन कहली क्लोरोआसीटिक एसिड यही दु जन को हिट करा जाए ठीक अच्छे क्लोरोआसीटिक एसिड को हिट कले केते जोर केते ट्रेन जाउछंती बिना साउंड रे केही गले ना हला कले एठे गोटे कंपाउंड दबो जोटा को कि तुमको हिट करिवार अछि कहा प्रेजेंस रे NaOH हला और के अछि जहा देले चलियो एठे गोटे तुमको फ्यूज्ड मास दबो कोन दबो वाई बोली गोटे सबस्टांस दब से हूँ गोटे फ्यूज्ड मास या ना सब दरकार ना यार ना गुड़ाक बड़ बड़ तो यहीटा को एबे तमे एटा गोटे स्कीमाटिक तुमको देखा एटा कौन परीक्षार लिखे कि यहाँ तुम बुझापी स्टेटमेंटा मुझे आज बसिकी ऑनलाइन वीडियो रे डायरेक्ट लिखी बोली तुमको कही दौर सर्ट्रे बर्तमान NaNH2 सोडामाइड सहित रिएक्शन कर सोडामाइड सहित रिएक्शन कले 300 डिग्री सेंटीग्रेड रे हला ये दब इंडोक्सिल बोली गोटे कंपाउंड दब जोटा कि एयर प्रेजेन्स रे एयर रे ऑक्सीजन अच्छे तो ऑक्सीडेशन हम एरियल ऑक्सीडेशन हला ये सेठ कौन दब तुमको इंडिगो कौन दौर इंडिगो बुझेला तो यार रिएक्शन टा ये ठीक करद हाँ ट्राए करवा हो ठीक अच्छे फास्ट की स्टेप रे कौन थिला आनिलिन मुझे रखिदेली NH2 या ना कौन हेगला आनिलिन ओके आनिलिन रे कौन देवी क्लोरोआसीटिक एसिड माने ClCH2 एठे रहिबो COOH एटा को हिट करी हिट कले आमे जानिचे एठे रहिला देखो NH थिला एठे CL अछि तो एठु HCl पळेइबो तो मु एठु -HCl कर देली हबो -HCl कले एठे रहिबो कोन NH हबो बर्तमान AH टा को एंती तळ को देखै दउछि किसी असुविधा अच्छे एटी सिंगल बॉन्ड एठ किए रहिला CH2 एठ किए रहिला सी डबल बॉन्ड OOH है बर्तमान ये खाली मु कौन दूची NaOH देले से कौन हो ना एठ COOH अच्छे सॉल्ट हो तो से रखिली NH एपटे CH2 एठी रखिली सी डबल बंड ओ एठी रखिली ओ माइनस ता साइड रे रखिदेली Na+ हेगला बर्तमान एथिरे कौन देबी ना तमरो NaNH2 300 डिग्री सेंटीग्रेड हबो तो बर्तमान ये कौन करिवो एठु गोटे एच नै जिव एठू कंबाइन नब बेंजाइन मेकानिजम हम ना यहाँ नब ना ये देख ये गोटे एच अच्छे ना एच टा को एमती देली NH2 यहाँ एच नहीं जीव है तो ये गोटे बेंजाइन स्ट्रक्चर हम दरकार ना ये सारा जिनस नक भी चलो तुम्हें केवल एति कर दियो जे देख स्टेप बाय स्टेप कर दोच हो ठीक अच्छे एठू एच टा नहीं जाओ ताहले जानी पारिबो कौन है नहले कह सार कौन कौन कर देले आ बुझी पारिलुनी एठी रहिला NH NH को NH रखिली एठी कौन रखिली CH2 एठी कौन रखिली सॉरी सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O
एपटे कौन रखिली ओ माइनस एट गोटे एच पड़ी मैंने गोटे माइनस थी हम ए माइनसटा एपटे अटैक कर एमती है जोबले या अटैक कर वर्तमान स्ट्रक्चरटा कौन दब ना एटा देख एटा कनेक्शन हो गला ठीक अच्छे एटा जोबले रिटर्न पुणी आसब एटा पलाए सेटा ओ एन ए हो पल ओ एच हो पल ठीक अच्छे कम एन एच थ्री तैयारी ना से एच एटा को एठ जो एचटा जा एच प्लस नहीं कि से पल एन ए एच ओ एन एच प्लस कौन होन ए एच हो पलाए तो ये तुम किए रहा एन एच ये रहा किए सी डबल बंड ओ ये किए रहा सी एच टू हाँ ना ना बर्तमान यही ना हूँ तुम इंडिगोक्स ए इंडोक्सिल आई एन डी ओ एक्स वाई एल हो बर्तमान यहीटा एरियल ऑक्सीडेशन हम इटा कौन हम एरियल ऑक्सीडेशन एटमॉस्फेयर बा एयर जहाँ लिखले चलो ठीक अच्छे यहाँ हेले इटा कौन हो कपलिंग कपलिंग माने एठ दुईटा एच आउ गोटे मॉलिक्यूल दुईटा एच पूरा सेम टाक कॉपी पेस्ट करके साइड बाय साइड लिखिदेव देख फाइनल स्ट्रक्चरटा मुझे लिखुची देखीदे तुम जापर कौन होटा रखिली ये कौन री डबल बंड ओ ये रहा सी यपटे कौन अच्छी एन एच है ये डबल बंड हो लगे देख दुईटा एच थी दुईटा एच पड़ेगा तो यो यूनिटा को जस्ट कॉपी पेस्ट कर दियो तो सी एठ गोटे डबल बंड ओ कनेक्टेड टू एन एच कनेक्शन एठ गोटे बेंजीन रिंग देख ल तो यही जिनसटा ना हूँ इंडिगो क्लियर सिंथेसिसटा जानीगल सिंथेसिसटा आउ टिके मोडिफाई हेला एटा फास्ट मेथड थिला एटा कौन थिला ह्यूमन कर फास्ट मेथड किंतु तांकरी ही मन आउ पाइला ना कहले ना एटा भल हेलानी एथरे बेसी ईल्ड आसिला नाही एटा टिके डिफिकल्ट हे गला सिंथेसिस ठीक अच्छे तो सेकेंड मेथड आसिला ताकु किए बाहर कले से ह्यूमन ओके से ह्यूमन बाहर कले कौन ना देले एटा ना से सेकेंड मेथड सीए ही बाहर करते फास्ट मेथड तांकर रिकॉर्ड नीचे काटले से कले सेकेंड मेथड ओके तो ये कौन कले से ना स्कीम देवी हो लिखिदे आंथ्रानिलिक एसिड से कौन ने आंथ्रानिलिक एसिड प्लस से क्लोरो एसिटिक एसिड क्लोरो एसिटिक एसिड नेले हला ये कौन देला मिसिकी ना तुमको ये देला फिनाइल ग्लाइसिन ओ कार्बोक्सिलिक एसिड है फिनाइल ग्लाइसिन ओ कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक अच्छे एटा एबे फ्यूजन हम कहा सहित ना एन एच है एन एन एच टू ठीक अच्छे तो ये कौ रिएक्शन हम ये तुम रिंग क्लोजर माने एटा साइक्लाइजेशन जोटा पांच मेम्बर रिंग आम करूचे सेटा को कहते रिंग क्लोजर रिएक्शन है तापर से कौन हो तुम
ना डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन हाँ तो एटा दब डीकार्बोक्सिलेशन हेले इंडोक्सिल जो इंडोक्सिल या पूर्व थर पाई एगेन लास्ट स्टेप से ऑक्सीडेशन एयर देदेले कौन है इंडिगो। तो देख मोडिफिकेशन रे कौन रिएक्शन होता टी देखी थब है देख फास्ट कि नहीं आंथ्रानेलिक एसिड, आंथ्रानेलिक एसिड किए ना सीओएच ऑर्थोरे जदि एनएच टू रहिला याको कहा जाए आंथ्रानेलिक एसिड। कौन कहली आंथ्रानेलिक एसिड ओके या सहित तो कौन मिसेबी ना सी एल सी एच टू सी ओ ओ एच हिट तो जानचे यू कौन माइनस हम एच सी एल ताल कौन प्रडक्ट होंजिन रखिली एटि रखिली सी डबल बंड ओ ओ एच एपटे रन एच एटि रहा सी एच टू सी ओ ओ एच ओके। वर्तमान देख ये कौन दूची ना एन एन एच टू एन ओ एच दब एन एन एच टू दे पार एका थे मुझेदेली एन एन एच टू आब तो ये रिंग क्लोजर हम केमी देख ए सी एच टू रु एच पल एचटा एटी आटाक् करा कौन हो स्टेप वाइज करदेवि कि हो आज यू एमती रहिबो सी डबल बंड ओ देख नोट रे बिना स्टेप रे करी परीक्षा रे जे बिना स्टेप रे करी परिबो मोर किछि ऑब्जेक्शन नाही जे कहिबो जे नाही मु स्टेप देकि जिबी से स्टेप देकि जाओ मोर सेथिरे भी किछि असुविधा नाही। एठे सी एच माइनस सी ओ ओ एच हे गला बर्तमान एटा अटैक करिबो एठी हला बर्तमान देख एटा कौन हो एमतिया हो गला सी एपटे रहिला ओ माइनस एपटे रहिला ओ एच एठे कनेक्शन रे रहिबो सी एच आ गोटे सी ओ ओ एच अच्छी ए दुटा लगी कौटी एन एच बर्तमान देख एठु एच टू ओ पलिबो तो एठी डबल बंड हो है ना नहीं तो ये देख के मेम्बर ड्रिंग अच्छे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव मेम्बर ड्रिंग तो मो स्ट्रक्चरटा आग टे सुंदर करके कर दिए ये छोट करदेली बोली टी क्लमजी हो गला ना टे बड़ करदी सुंदर हम तो ये गोटे डायरेक्टली फाइव मेम्बर ड्रिंग करदेव तल पोजिशन कौन रखिदेव एन एच सुंदर हो गला बर्तमान यही जगटे कौन हो डबल बंड ये गोटे डबल बंड देली ये किए लगी सी ओ ओ एच हम यही जगार किए लगी ओ माइनस हो ठीक अच्छे वर्तमान देख एटारे पानी दे दियो एच ओ एच तो ये कौन नहीं जीव एच प्लस ओके तो तुमको कौन मिलला एमतिया एठी सिक्स मेंबर रिंग एठी फाइव मेंबर रिंग एन एच डबल बंड एटा हो गला ओ एच एठी रहिला सी ओ ओ एच है ना नहीं वर्तमान ये कौन कर ना एमतिया ये टोटोमरिजिम करदेव कौन कहली टोटोमरिजिम टोटोमरिजिम रे कौन हुए ना यू डबल बंडटा एठिक एचटा ए कार्बन पाक आसो एति हला कथा तो तुम स्ट्रक्चरटा कौन हो
ओके एटा स्ट्रक्चर आसला एटी कौन है डबल बंड ओ है बर्तन यू डी कार्बोक्सिलेशन हम हिट कले यू कौन पलेब सीओ टू माइनस सीओ टू है तो एचटा आसी खाली एट लग तो तुमको कौन दब ना एटा सॉरी एटा जिनसटा देख ल मुझे टी आउ थे लिखिदी चिन्ह पारच कि ना कह देख नोट्रे मुटेप्रु यूपर्यंत टोटाल ओमिट करदे एक दुई ए दुटा जाक स्टेप ओमिट अच्छे तो जी देखा कथा एथर देखिकी करदेपर ना नोटारू लिखिद ठीक अच्छे जार जोटा पसंद तापरे एठू स्टेप तक एटा कर डायरेक्ट तापरे आंसर ठीक अच्छे तो देख ये जिनसटा एमती अच्छे कि एहे पुणी तो सामानटा लिखिदी एटा एमती रिंग एठी डबल बंड ओ देख डबल बंड ओ अच्छी एठी गोटे सी एच टू अच्छे एठी गोटे एन एच अच्छे देख लईटा ही आमर थिला इंडोक्स इंडोक्सिल नथिला तो बर्तमान ये आम खाली कौन दूचे ऑक्सीडेशन करुचे एयर रु ऑक्सीजन प्रेजेन्स ताले से आमको कौन दब ये इंडिगो केमी दूची कही रिंग लिखल एटी सी डबल बंड देल एटी सी रखिबो एपटे एनएच रखिबो ये मझे कौन करदब डबल बंड एठी गोटे सी रखिल एठी डबल बंड एठी एनएच हला एठी गोटे सिक्स मेंबर रिंग एटा ना हो जाउची इंडिगो ओके अच्छा बर्तन गोटे एथरे पुनी पाठ आउ टिके अछि जेहेतु एते इम्पोर्टेंट सिंथेसिस गोटे पढ़िले मशा सॉरी सॉरी अच्छा पढ़िले ठीक अच्छे तो एटा इट शोज जिमोट्रिकल आइसोमरिज्म जिमोट्रिकल आइसोमरिज्म कौन देखा जिमोट्रिकल आइसोमरिज्म केमी देखा देख देख जेमोट्रिकल आइसोमरिज्म कहले आम बुझे गोटे सी आइसोमर थी और कौन थी गोटे ट्रांस है मन रखी था ये ट्रांसटा ही आइसोलेटेड माने आइसोलेट कराही आईटा ही कलर दौर ठीक अच्छे को आइसोमर कलर दौर ट्रांस केमी कहीं कहीदे कहीं ट्रांसटा आइसोलेट हो पार्टा हो पार नहीं तार रिजिन टा जान लेला देख ट्रांस आइसोमर टा को आगे लिखी दिए ट्रांस कहले ओपोजिट साइड रे थी ठीक देख एनएच एनएच सेम साइड रे अच्छा तो यहाँ कौन फॉर्मेट रे मुझे लिखी सीस एपटे देख ना सी डबल बंड ओ सी डबल बंड ओ सेम साइड रे एनएच एनएच सेम साइड रे तो यहाँ कौन सीस तो ट्रांसफर्म टाइम इजिली लिखिपरि जदि से बतईदेली एटी रखिली सी एटी रखिली एनएच हम एटी डबल देली ये ओल्टा करदेवि एनएच एटी रखी सी एटी रखी डबल बंड ओ एटी रखिली रिंग इटा को फॉर्म रे अच्छी ना ट्रांस हाँ ना नहीं अच्छा जदि ट्रांस रहिला एटा काहेकि स्टेबल हबो ना देख ये गोटे ओ अच्छे ये गोटे एच तो या भितर इंट्रा मॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड एटा कौन होची इंट्रा मॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
होचे ना नहीं हला ए जो स्ट्रक्चर टा कलर दोचे ट्रांसाइसोमर काहे कि ना आगरु या पूर्वरु लोक किछि सिंथेसिस करथिले कोन सिंथेसिस करथिले क्रोमोफोर्स तम पढ़ी यूवी रे कौन पढ़ाई ची क्रोमोफोर्स हला से क्रोमोफोर्स रो एतिक पार्ट टा या सहित समान आ क्रोमोफोर्स कौन देखती कलर देखती हला तो से जो क्रोमोफोर टा केमितिया जिनस थिला एमितिया देख सी डबल बॉन्ड ओ एटा क्रोमोफोर टा सी एठी डबल बॉन्ड सी एपटे रहिला एन एच एतिक एपटे बेंजीन रिंग से थरे नथिला केवल एतिक पार्ट थिला हला प्लस एपटे कोन थिला सेया एन एच एमिति एठी थिला सी डबल बॉन्ड ओ तो ए जो पार्टा देखिलो एठी जेतिक अछि एठी सेतिक नहीं कि तो ए पार्टा को ही कहंती क्रोमोफोर आ यार कलर आसे डीप ब्लू डीप ब्लू टा विजिबल रेंज रे आमे ताको कोन कहंती घन नील र ये ना कोन कहंती आमे इंडिगो ब्लू तण करी ए डायना टा भी कोन है छि इंडिगो बुझेला तो ए यूनिट टा रहले या कलर टा आछि डीप ब्लू तण करी याको कोन कहा जाउ छि इंडिगो डाई बुझेला एतिके थिला तमर स्पेसिफिक डाए विषय रे पाठ हला या परे जोटा रहिला सेटा तमे ऑलरेडी जानिचो ठीक अछि कोनटा जानिचो सेटा मु नेक्स्ट क्लास रे कहिबी सेटा होची थियोरीज ऑफ कलरेशन ऑफ डाई एटा कोन ना क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम ए विषय रे पाठ आ सेथरे गोटे थियोरी अछि से थियोरीटा तुम्हें केवल ना जानि किंतु पाठटा जानि नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन कले जानि पारिबो ठीक अछि देखि दबा एतिकिरे तुम्हारे डायर सब एग्जांपल सहिला मेन पाठ सब सरीगला ए चैप्टर रो 99% पाठ सरीगला आ 1% पाठ अछि जोटा कि नेक्स्ट क्लास रे देखिबा 99 नाइन 98 हो।